माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो आज है मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका विभाज्यता है। कौन सा है? विभाज्यता, मतलब समझ सकते हैं आपका डिविजिबिलिटी है, यानी भाज्यता के नियम। और भाज्यता के नियम में हम एक से लेकर के 11 तक के जितने भी भाज्यता के नियम होते हैं सभी के, एक के, दो के, तीन के, चार के, सभी संख्याओं के भाज्य, मतलब कैसे उनका विभाज्यता का नियम होता है, उसका क्या रूल होता है, ताकि आप समझ सके। अब बात बच्चों को यहाँ समझ में ये नहीं आती कि ये भाजकता, विभाज्यता या डिविजिबिलिटी, ये सारी चीजें हैं क्या। सबसे पहले तो आप समझिए भाजकता या विभाज्यता क्या है। कि जब हम कोई संख्या को हम किसी संख्या से काटें, मतलब आप किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से काटें, आपका जैसे ये 5 है और किसी अन्य संख्या से इसको हम काट रहे हैं, इसका भाग कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, इसका हम भाग करें। देखिए भाग यहाँ पर भी है, भाग यहाँ पर, मतलब इसका हम क्या करें, भाज करें। अगर इसको हम भाज कर रहे हैं, मतलब विभाजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विभाजन। 5 को हम ऐसी संख्या से विभाजन करें, 5 को हमें विभाजन करना है 6 से, तो आपका आपका जब विभाजित करे कोई भी शेष ना बचे, कुछ भी ना बचे। आप उसको इतने भागों में तोड़िए, इसको इतने भाग में तोड़िए कि इसमें आपका शेषफल जो बचे 0 बचे। क्या बचे? वो 0। ये शेषफल नहीं है, मतलब जब उसको हम भाग करें, उस संख्या में जब भाग करें और उसमें क्या बचे, 0। यानी विभाज्यता का नियम यही कहता है, जब कभी भी किसी संख्या को विभाजन किया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है, तो शेषफल उसका 0 आ जाए। और जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब उस संख्या से वो वाली संख्या विभाज्य है, जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर 15 से 3 का विभाजन कर रहे हैं, तो 3 × 5 = 15, यहाँ पर 0 बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर यहीं पर होता आपका 16, अब 3 से विभाजन, 3 × 5 = 15 और बच गया यहाँ पर 1। अतः यहाँ 16 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। ए डिविजिबिलिटी पे आप करा, मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। तो डिविजिबिलिटी मतलब हुआ कि डिविजिबिलिटी मतलब कट जाए और कटने के बाद 0 हो जाए। नहीं, 0 हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर डिविजिबिलिटी का मतलब एक पूरी तरीके से जो पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो जाए, 0 आ जाए, तो कैसे पता चले कि हम ये किससे कटेंगी, यही चीजें यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा बातों को। सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक पर, किस पर, एक पर, किसकी, एक की विभाज्यता, एक की विभाज्यता। एक की विभाज्यता, ठीक है, एक जो है, एक से कोई संख्या विभाज्यता का एक का कोई रूल होता नहीं, एक का कोई रूल नहीं होता, मतलब एक से किसी भी संख्या को विभाजित करें वो कट जाती है। आप एक को किसी संख्या से विभाजित करो, यहाँ पर है 3/1, 3/1, एक का पारा पढ़ो 3 बार जाएगा, हाँ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बस यहाँ पर 8 है, 8 18 है, 18 के भाग में एक करो तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो एक विभाज्यता के नियम में यही है कि एक जिस एक में जिस संख्या एक का जिस संख्या से विभाजित करे वो संख्या उत्तर आ जाती है, मतलब एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। दूसरा से आ जाता है 2 की विभाज्यता, किसकी विभाज्यता, 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता होता है। 2 की विभाज्यता में क्या है कि जिस संख्या के अंत में आपका, जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए कि मतलब उसका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक, इसमें क्या करना है, इकाई का अंक, इकाई अंक कैसे हो, आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई का अंक इन सब में से है, या तो आपका 0 हो, या तो आपका 2 हो, या तो आपका 4 हो, या तो आपका 6 हो, या तो आपका 8 हो, तो समझ लो इकाई का अंक अगर ये है तो 2 से वो विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, 100, कितना है 100, तो 0 है लास्ट में, मतलब कट जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ 124, यहाँ पर 4 है लास्ट में, मतलब कट जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ 1200, ये मैं लिख दिया 1026, 6 है लास्ट में, कट जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ 28, ये कट जाएगा। लास्ट में हमारी अगर ये संख्या है तो कट जाएंगे, इस तरीके 2 का विभाज्यता हो जाएगा। 2 की विभाज्यता के बाद 3 की विभाज्यता, किसकी विभाज्यता, 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता में क्या होता है, 3 की विभाज्यता में सबसे पहला काम क्या है, 3 विभाज्यता में सभी संख्या के अंकों का जोड़,
संख्या के अंकों का योग तीन से कटे, बस यही काम करना है। तीन की विभाज्यता का नियम में यही चीजें फॉलो करना है। ये एक की विभाज्यता हो गई, ये दो की और ये तीन की। बोला जा रहा है कि अगर तीन से वही संख्या विभाजित होगी जिसके संख्या के अंकों को जोड़ लो और उसको तीन से काट दो, तो समझ लो विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ लिख दू 512, मैं इसको लिख दिया। अब इसको चेक करना है कि हमारा कटेगा नहीं। 5 6 2 8, 8 है ना, तो 3 से तो 8 कटेगा नहीं, मतलब विभाज्य नहीं है। अगर यहाँ पर मैं इस तरह कर दू 513 कर दू, अब 5 3 8, 8 है 9, कुल मिलाकर यहाँ पर 5 1 6 3 9, 9 हमारा क्या होगा, दो, मतलब कट जाएगा 3 से। तो ये हमारा, इसका मतलब ये 9, 9 3 से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। काट के देखेंगे तो कट ही जाएगी। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 5 7 3 8, कुछ इतनी बड़ी संख्या, अब इसको हमें चेक करना है कि कटेगा कि नहीं। हमें इस संख्या संख्या को जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे कि आपका कैसे जोड़ना है। इसको पूरा जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 15 और 15 8, आपका कितना हो जाएगा 23। 23 हमारा कटेगा नहीं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ। अब देखते हैं तो यहाँ पर कितना, 19 और 24, तो हमारा 24 कट जाएगा 3 से, मतलब ये संख्या हमारी पूरी कट जाएगी। इसी तरीके छोटी भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर मैं ले लूँ मान लीजिए 29, देख लीजिए 9 और 2 11, 11 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं 7 कर दूँ, अब देखिए 7 2 9, 9 3 से कट जाएगा, मतलब 27 कट जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा विभाज्यता में हमारा ये होता है, ठीक है। अब 3 की विभाज्यता के बाद हमारा कौन सा विभाज्यता आएगा, 4 का विभाज्यता। तो हम 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 4 की, 4 की विभाज्यता, थोड़ा मोटा चल रहा है पता नहीं क्यों। तो 4 की विभाज्यता में क्या होता है, अंतिम दो अंक 4 से कटे, क्या अंतिम दो अंक 4 से कटे, अंतिम की जो दो अंक हो वो 4 से कट जाए, तो समझ लो 4 की विभाज्यता हो जाएगी। जैसे यहां पर मैं लिख दूं 800 184, 184 में अगर हम इसको काटते हैं, 8 और 4 दोनों मिला ले, 84 बन जा रहा है। अभी 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 2 8, मतलब 184 कटेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दू अंतिम दो अंक 6 1 7 है, नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर मैं लिख दू इस तरीके से 2, अब 6 2 किनारे की दो संख्या क्या होगी, 6 2 8 हो गई, 8 क्या होगा, 4 से कटेगा, हाँ 4 2 8 कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं 5 1 6, 6 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहां पर मैं लिख दूं 3 3 1 4, 4 हमारे 4 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या कट जाएगी। ये हो गई 4 की विभाज्यता, ये क्या हो गई, 4 की विभाज्यता। तो 4 की विभाज्यता के बाद हम करते हैं 5 की विभाज्यता, किस पर, 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता में क्या होता है, पांच की विभाज्यता में क्या होता है, अंतिम अंक, क्या अंतिम अंक 0 या 5 हो तो, 0 हो या 5 हो तो समझ लो, अगर लास्ट का अंक जो होता है, लास्ट का जो अंक, तो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो समझ लो वो 5 से कट जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं 20, ये कट जाएगा, यहां पर मैं लिख दूं 215, ये भी कट जाएगा, यहां पर मैं लिख दूं
1400, ये भी कट जाएगा। यहां पर मैं लिख दूं इतनी बड़ी 5 है तो ये भी कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा। ये होता है रूल इसका 5 का, ठीक है। 5 के बाद अगर हम देखते हैं 6 का रूल, तो 6 के रूल में क्या होता है, 6 की विभाज्यता, जो 2 तथा 3 दोनों से कटे, दोनों से कटे। अगर ऐसी संख्या आ रही है जो हमारा 2 और 3 दोनों से कटे, अगर आपको ऐसी संख्या, एक संख्या ऐसी मिले जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, समझ लो वो हमारा 6 से कट जाएगी। जैसे यहां पर मेरी 2 12, यहां पर मैंने 12 लिखा। अब 12 देखिए 2 से कटेगा, 2 की विभाज्यता तो समझते हो, जिसके किनारे में 2, वहां 2 से कटेगा। 3 की विभाज्यता क्या है, दोनों को जोड़ लो कट जाए, तो 2 1 3, 3 से कट जा रहा। मतलब ऐसी संख्या जो 2 और 3 से कटे, 2 और 3 से कौन सी संख्या कटती है, इसका रूल ये है, वो रूल को लगाइए तो हमारी समझ लो। यहां पर मैं जैसे लिखता हूँ, अब मुझे ये चेक करना है कि ये हमारे 6 से कटेगी नहीं, तो पहले 2 से चेक करो, 7 है 2 से नहीं कट रही, मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 8, ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 8 2 से कटेगा, लेकिन अभी 3 से इसको चेक करना है, तो 6 एक 7 और 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 8 7 15 मतलब 3 से भी कटे, मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी, ये संख्या 6 से कट जाएगी, पक्का कट जाएगी। देखिए 6 कम 6 7 बड़ी 18, तो कट जाने वाली है। यहाँ पर अगर मैं इतनी बड़ी संख्या ले लूँ, अब इसको चेक करना हो कि 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देखते हैं 1 है किनारे, मतलब 2 से नहीं कटेगी तो 6 से नहीं कटेगी। यहाँ पर मैं 0 बढ़ा दूँ, अब देखिए ये 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको चेक करते हैं, ये 0 है 2 से कट जाएगी, 3 से चेक करते हैं, तो 3 6 3 9, 9 2 11, 11 6 17, और यहाँ पर 1 18, 0 18, 18 3 से कटेगा कट जाएगी, मतलब ये 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से कट जाएगी। ये हो जाता हमारा 6 का रूल, 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता के बाद आ जाइए 7 की विभाज्यता, किसकी विभाज्यता, 7 की विभाज्यता। सात की विभाज्यता, सात की विभाज्यता जो होती है थोड़ा वो हार्ड होता है, आपको देखना है कि अगर 2 अंकों की संख्या के लिए अलग होता है, 3 अंकों की संख्या के लिए अलग होता है, वो अलग अलग रूल होते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के लिए क्या करना है, जो आपका दहाई के अंक होता है, पहले 2 अंकों के लिए, पहले यहां पर लिख देते हैं 2 अंकों के लिए, दो अंक के लिए, फिर 3 या 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक अंक के लिए इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, ठीक है। तो अंकों, अगर 2 अंकों की संख्या हो तो उसमें क्या करना है, इसका जो दहाई अंक होता है, क्या इसका दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई अंक क्या करना है, दहाई अंक के तिगुने में इसका क्या करना है, तिगुना करना, मतलब 3 से इसमें गुणा करना, इसका तिगुना कर देना है, ठीक है। तिगुने करने के बाद इकाई अंक में जोड़ देना है, प्लस क्या कर देना है, इकाई अंक प्लस इकाई अंक, दहाई अंक का तिगुना करिए और इकाई अंक को जोड़ दीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी इसको प्राप्त संख्या 7 से कटे, 7 से कटे, ऐसी संख्या हो तो 2 अंक संख्या। अगर इसी की 3 संख्या हो तो उसमें क्या होता है, अंतिम जो 2 अंक हो, इसमें क्या होता है, संख्या का अंतिम 2 अंकों को छोड़कर, अंतिम 2 अंकों, अगर मान लीजिए 3 संख्या है, 3 अंकों संख्या है, 4 अंक की, 5 की, 6 की, कितनी भी इसके बजाय इसके बाद है, तो इसमें जो होता है अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंतिम अंतिम के जो 2 अंक हो को छोड़कर, अंतिम के 2 अंक को छोड़कर, अंतिम 2 अंक को छोड़ दीजिए, छोड़ने पर शेष अंक का, शेष
शेष अंकों से अंकों से बनी संख्या के दुगने में, शेष अंकों संख्या के दुगने में अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक जो अंतिम दो जो हटाए थे दो अंक, उस दो अंक को, अंतिम जो दो अंक है ठीक है, अंतिम दो अंक को जोड़ने पर क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको जोड़ने पर, को जोड़ने अंतिम दो अंक, दो अंक को जोड़ने, जोड़ने पर प्राप्त संख्या, पर प्राप्त संख्या 7 से कटे। अब ये थोड़ी समस्या वाली सवाल है, 7 से विभाजन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए बताने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये बच्चों को भूल भी जाता है। तो इनमें जब दो अंकों की संख्या हो, आपको 7 से वैसे भी दो अंकों की संख्या चेक की जा सकती है, लेकिन आप दिमाग ये लगाइए कि दो अंकों की संख्या के लिए आपका दहाई का अंक का तीन गुना करिए, दहाई की संख्या का तीन गुना करिए। जैसे मान लीजिए आपका 84 क्या है, पहले वाले के लिए मैं यहाँ पर लिखूं 84, ये दो अंकों की संख्या है ठीक है। 84 तो ऐसे भी चेक कर सकते हो ठीक है, ये आपका 7 से कटेगा नहीं, लेकिन मैंने बोला दहाई का अंक का तीन गुना करिए। जैसे मैं 8 3 24 कर दूं, और 24 जो इसका अंक है उसको जोड़ दीजिए, 24 4 28 हो जा रहा है। अब 28 7 से कट रहा है, कट रहा है तो इसका मतलब ये 7 से विभाजित है ठीक है, 28 7 के साथ 4 28 कट जाएगा, ये हो जाता है दो अंकों की संख्या के लिए। अगर हमारा तीन अंक संख्या हो, तीन से अधिक अंक की संख्या हो, जैसे मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 112 ले लूँ, क्या ले लूँ 112। अब दिमाग लगाइए 112 मैं ले रहा हूँ, तो क्या बोला जा रहा है कि अंतिम दो अंक को छोड़ दीजिए, अंतिम को दो अंकों को पहले छोड़ दीजिए, फिर जो अंक अंक मतलब जो शेष बन रही है वो वाली संख्या को दोगुना, वो वाली संख्या को दोगुना कर दीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम लग, अंतिम अंक को छोड़ करके फिर शेष बनी संख्या के दोगुने में अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 7 से कटे ठीक है, यही चीज दिमाग में बैठाना। तो अंतिम दो अंक हमने छोड़ा 12 छोड़ दिया, बचा एक। अब एक का दोगुना करना है तो एक दोगुना दो, दो हो गया, दो में जो अंतिम दो अंक तो उसको जोड़ दीजिए, तो यानी दो में हम 12 को जोड़ेंगे, 12 2 14 हो जा रहा है। अब 14 अगर कट जा रहा है 7 से, समझ लो संख्या कट गई, हो गया ना काम, समझ में आ गई बात, आ जाएगी। और मैं बड़ी ले लेता हूँ दिमाग में, समझ में आ गई, जैसे 3 4 5 2 ठीक है, कुछ इस तरीके से संख्या मान लीजिए। अब यहाँ पर इसको चेक करना है, तो आप क्या करना, पीछे के दो अंक को छोड़ देना, पीछे के दो अंक छोड़ दीजिए, शेष जो अंक अंक संख्या बढ़ रही है उसका दोगुना, 34 को दोगुना कर लेंगे, तो 2 4 8 2 3 अच्छा मतलब 68 हो गया। अब 68 जब प्राप्त जो संख्या होगी, इस दोनों अंक को जोड़ लें, 68 में हम 52 को भी जोड़ देंगे, तो 68 2 70 हो जा रहा है, 70 में आप 5 जोड़ेंगे तो 120, 120 हमारा 7 से कटेगा नहीं, मतलब ये संख्या नहीं। इस तरीके से इसका चेकअप होगा, इस तरीके से आपका इसका चेकअप ठीक है। तो मैं यहाँ पर अधिक संख्या भी सर्च करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ना के नहीं लिखता हूँ। अब 7 से विभाजित के बाद अब आपको आना है 8 से विभाजित, किस पर आना है, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित कोई खास कठिन नहीं है। 8 से विभाजित में आपको क्या करना है, सीधा काम वही है कि अंतिम के हुआ संख्या मतलब जो हो, जो अंतिम के तीन अंक जो होते हैं, तीन अंक क्या हो, लिख दे रहा हूं, अंतिम तीन अंक आठ से, अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से कटे, 8 से कटे या 0 0 0 तीनों शून्य हो, तीनों शून्य हो, या तो तीनों शून्य हो, या तो अंतिम की तीन संख्या जो हो, तीन अंक जो हो उनको मिला दो, जो भी संख्या बन रही है वो संख्या कर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं
आठ चार पांच एक दो, ये संख्या है। अब पीछे का तीन अंक देखिए, पांच एक दो, पांच एक दो, बोला जा रहा कि ये तीन अंक जो हो वो आठ से कट जाए, तो पांच एक दो इसको आप आठ से काट लीजिए। अगर आठ से ये कट जा रहा है इसका मतलब कट जाएगा, नहीं पीछे तीन अंक, ट्रिपल शून्य तो यहाँ पर है नहीं, मतलब तीन बार शून्य तो है नहीं। तो अब हमें ये तीन इसको चेक करना है, क्या है कट जा रहा है, मैं इसको आठ से काटू तो आठ छंग 48, तीन गया आठ चौक, नहीं कट रहा है, आठ चौक 32 कट जा रहा है। देखिए आठ छंग 48 बचा यहाँ पर 51 होने के लिए, तीन तीन इसमें आठ चौक 32, मतलब ये मेरी संख्या कट जाएगी, ये मेरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखता हूँ यहाँ पर 1 5 4 00 कुछ इस तरीके से, लास्ट में सॉरी 3 0 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, इसका रूल है, समझ लीजिए ये इसका रूल है, ये कट जाएगा। अब चाहे भले 154 है, लेकिन मैं 3 0 बढ़ाने से ये 8 से कट जाएगा। 8 के बाद 9 से विभाज्यता पे चलते हैं, किस पर, 9 को विभाज्यता। नौ की विभाज्यता, नौ की विभाज्यता क्या होता है, नौ सभी अंकों का योगफल 9 से कटे, मतलब तीन वाला रूल है भाई, 9 से कटे, 9 से कटे। ठीक है, तीन का रूल है, क्योंकि तीन का गुणनखंड हमारा 9 जो है होता है, तो उसी के हिसाब से हम समझ रहे हैं कि सभी अंकों का अगर जोड़ दें और उसको हम 9 से काट दें तो हमारा संख्या जो प्राप्त होगी वो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 108, ठीक है, इसी तरीके से मैं लिखूँ 212। अब इनको हम देखो टोटल, 2 1 3 3 2, 2 1 3 3 2 5, 5 नहीं कट रहा है अभी, अगर मैं और बड़ा कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अब देखिए, ठीक है, 3 1 4, 3 2 5, 5 6 5 11, नहीं कट रहा। ठीक है, मैं इसमें और बढ़ा दूँ, 11 5 16, ठीक है, 16 2 यहाँ पर 18। अब देखो 2 1 3 2 5 6 5 11, 11 5 16 और 16 2 18, 18 कट जाए, मतलब पूरी संख्या हमारी 9 से कटने वाली है, इसके पहले कटती ना। अब ये देखिए 8 1 9, ये भी 9 से कट रही है, इस तरीके से 9 की विभाज्यता हो गई, मतलब सभी संख्याओं को जोड़ ले, 9 से कट गया समझो कट गया, 10 की विभाज्यता। किस विभाज्यता, 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता के नियम एकदम आराम है, 10 की विभाज्यता। अंतिम अंक शून्य हो तो, अगर अंतिम अंक आपका शून्य है तो 10 से विभाजित हो जाएगी, चाहे जो भी संख्या ले लो। इसके आगे मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 10 180, 2000, इतना कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, जिससे लास्ट में 0 हो तो 10 से वो कट जाएगी। ओके, बात को समझ गए। अभी 11 की विभाज्यता, लास्ट वाला देखते हैं 11 की विभाज्यता। ग्यारह की विभाज्यता, ग्यारह की विभाज्यता के नियम में क्या है कि सम और विषम, सम और विषम, सम जो संख्या होती है जो विषम के स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग, इनके अंकों का योग का मतलब योग और अंतर शून्य, योग और अंतर शून्य हो, योग और अंतर क्या हो, शून्य हो,
या तो 11 से विभाज्य हो या 11 से कट जाए, यही रूल है। अगर इसमें जो संख्या दी जाए, जैसे मैं यहां पर कोई संख्या ले लूं 1 3 1, इसमें जो सम सम वाली संख्या, सम अंक, सम अंक समझ रहे हो ना, पहला स्थान और तीसरा स्थान और पांचवा स्थान और सातवां स्थान, ये विषम संख्या के स्थान हो गए, सम संख्या के स्थान हो गए, जैसे दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, आठवां स्थान, इस तरीके से। तो ये देखिए पहला स्थान, फिर तीसरा, चार, 3 1 4, 4 हो गया। फिर यहाँ पर 3 1 4, 4 4 को घटा लीजिए, 4 4 को, और पहले जोड़िए फिर उसका अंतर करिए, योग करिए और अंतर करिए, उसके बाद योग करो और उसका अंतर करो। तो 3 1 4 3 1 4, इसका अंतर क्या आ जा रहा है, शून्य, शून्य आ जा रहा है, इसका अंतर 11 से ये कट जाएगा। इसी तरीके से और भी सारी सारी चीजें से यहाँ पर भी देखूं, ये 1 2 1, इसको भी देखो, सम संख्या का योग 1 1 1 2, और ये भी 2 1 1 2, और ये 2 2 मच गया 0, मतलब कर गया। तो ये या तो 11 कटे, या तो दोनों को पहले स्थानों को जोड़े और उसको घटा ले, शून्य आ जाए, या तो 11 कर दे, तब आपका ये हो जाता है। तो हमने सारे 11 तक विभाज्यता के नियम पूरे पूरे कंप्लीट यहाँ पर कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। इसका पिछला वीडियो हम बना, मतलब इसमें कि पहला ये दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट हमने बताया है, प्राकृतिक संख्या मतलब संख्याओं के ऊपर, संख्या पद्धति से है, नंबर सिस्टम से है, तो देख लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा पूरी बात। यहाँ पर हमने विभाज्यता को सारी रूल जो था उसको हम बेसिक बता दिया, आपका एक नंबर जो भी होगा वहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी बच्चे दूसरे क्लास के हैं या कंपटीशन नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसको सीख लीजिए, ताकि उनके लिए हेल्पफुल साबित हो आगे चल करके वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ वहाँ फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल के लिंक यहाँ पर भी है, और उस चैनल के लिए भी अलग टेलीग्राम चैनल है, दोनों चैनल पर दो दो टेलीग्राम चैनल है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, बहुत अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है अगर आप विजिट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको लाइक शेयर जो कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगा हो तो, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हम अच्छी अच्छी मैटर लेकर आएंगे। जो भी मैटर बताएंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, जय हिंद, गुड बाय।